वायदा करना और निभाना। हेलो, मेरा नाम विक्रम है और मैं आने वाली पुस्तक इरेजिस्टेबल वर्कप्लेसेस का ऑथर हूं। हम में से बहुत लोग बहुत वायदे करते हैं, लेकिन क्या हम उसको निभाते हैं और उसको ना निभाने से क्या असर होता है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। एक पहले अपने आप से किए हुए वायदे की बात करें और उसका असर। आपने कभी सुबह अलार्म लगाया है उठने के लिए, और जब अलार्म बजता है तो क्या होता है उसके बाद? ज्यादातर लोग उसको स्नूज पे डाल देते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं। तो आपने वायदा तो किया अपने साथ, लेकिन उसको निभाया नहीं। और इस तरह बार बार करने से धीरे 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 अपने ऊपर विश्वास कम होने लगता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आत्मविश्वास ज्यादा हो, लेकिन इस तरह करने से आत्मविश्वास कम होने लगता है। इसी तरह किसी दूसरे से वायदा किया कि मैं आपको इतने बजे 5 बजे मिलूंगा, लेकिन आप 5 बजे नहीं पहुंचते। तो अगर इसी तरह के बिहेवियर बार बार होगा तो क्या दूसरे लोग आप पर विश्वास करेंगे? नहीं, समय के साथ वो आपका विश्वास कम होता जाएगा। और ऐसा अगर चलता रहा तो आपके रिलेशंस भी अफेक्ट होंगे, आपका अपने ऊपर विश्वास कम होगा, तो नेचुरली वो आपके एक्शंस और आउटपुट में शो करेगा और फिर उसका अल्टीमेट रिजल्ट यू विल नॉट फील गुड। सो इसलिए वायदा करिए और उसको निभाने की पूरी 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 कोशिश करिए। नहीं वायदा अगर पूरा कर सके तो इन्फॉर्म करिए कि ये मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इस तरह से अगर आप बिहेव करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपसे आगे बढ़ने के लिए और टिप्स शेयर करता रहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और एक सूचना, हर महीने के आखिरी गुरुवार को मैं एक लाइव वेबिनार करता हूँ, उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसमें रजिस्टर करिए और उसमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और डिस्कशन करेंगे। साइनिंग ऑफ नाउ।